जय श्री कृष्णा। आज हम बेसन की कढ़ी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए पहले एक ग्लास ये छोटा वाला बेसन लेंगे। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएंगे। इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, फिर इसको पानी में डाल के देखेंगे। अगर ऊपर आ गया तो इसके मतलब कढ़ी हमारी अच्छी बनेगी, पकौड़ी भी अच्छी बनेगी। अभी नहीं हुई है। बेसन फेंट लिया है, देखते हैं बेसन हो गया है। इसको पानी में डाल के देखते हैं, ये बेसन ऊपर आ गया है। अब इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी मिलाएंगे। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे सरसों का। अब हम पकौड़ी डालते हैं। पकौड़ी हमारी बहुत सॉफ्ट बनेंगी, क्योंकि हमने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसी बेसन में हम दही मिलाएंगे, थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। गैस हमारी तेज है। अब हम इसको थोड़ा सा गैस को धीमा करते हैं, पकौड़ी अंदर से अच्छे से हो जाए। अब हम पकौड़ी निकाल ले रहे हैं। कढ़ी के लिए पकौड़ी ज़्यादा लाल नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही हल्की सी ब्राउन रखनी चाहिए।
अब इस बेसन में हम थोड़ा दही मिलाएंगे। अब दही और बेसन को हम ब्लेंड करते हैं। तेल हमारा हो गया है, अब इसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे। अब इसमें हींग डालेंगे। अब इसमें हल्दी डालेंगे। और रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। फिर इसमें सेंधा नमक डालेंगे और इसको चलाएंगे। ये सब मसाले हमारे हो गए हैं। अब इसमें दही और बेसन मिला हुआ डालेंगे। अभी थोड़ा पानी और डालेंगे। इसको लगातार चलाना रहता है, नहीं तो फिर दही फट जाता है। गैस धीमी कर देंगे, अब ये धीरे धीरे पकेगा। कढ़ी हमारी तैयार हो गई, इसमें पकौड़ी डालेंगे। पकौड़ी डाल के थोड़ा देर सिम कर देंगे तो ये धीरे धीरे पकेगी कढ़ी। तब तक हम इधर छौंकने की तैयारी करते हैं। तड़का पैन में देसी घी हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हो जाए। थोड़ी सी राई डालेंगे। थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा मिर्च। कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें हरी धनिया डालेंगे। इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम इसमें से एक पकौड़ी निकाल के दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए पकौड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह फेंट लेना चाहिए। फेंटने के बाद इसको पानी में डाल के देखना चाहिए। अगर बेसन ऊपर आ रहा है तो बेसन फिट गया है। ये देखिए हमारी कढ़ी किस तरीके से इसमें पानी में मेल्ट हो गई है। अब आप भी ऐसे ही खाइए और बनाइए, फिर हमको बताइए कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।